मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है। जब धारा 370 हटाई तब जम्मू कश्मीर के कोई नेता जो धारा 370 का फायदा लेकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर परिवार को ही लोकतंत्र बनाकर सालों तक शासन किए, वो कहते थे जम्मू कश्मीर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि टेररिज्म रिलेटेड कुल घटनाएं में 70% की कमी हुई, नागरिकों की मृत्यु में 81% की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 48% की कमी धारा 370 हटने के बाद आई है। वो बताता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुख, चैन और अमन के नए युग की शुरुआत हुई है। ऑर्गेनाइज टेंट बिल्डिंग पहले 2654 घटनाएं 2000 में हुई थी, 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज हड़ताल 2010 में 132 हुई थी, 2023 में एक भी ऑर्गेनाइज हड़ताल नहीं हुई है। स्टॉन पेंटिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, आज एक भी नागरिक पूरे साल में 2023 में नहीं मारा गया है। और जख्मी नागरिकों की संख्या 6235 थी, इसकी जगह जख्मी नागरिकों की संख्या भी शून्य है। टेरर फाइनेंस पर नकेल कसी गई है, इनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है, अटैच की जा रही है और फ्रीज की जा रही है। और ढेर सारे आतंकी संगठनों पर हमने नकेल कसने के लिए बैन लगाने का भी काम किया है। तो जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से गति दे रहे हैं। मैं निवेश की बात करूं तो 19-20 में 297 करोड़ का निवेश आया था और अभी 22-23 में 2153 करोड़ का निवेश जम्मू कश्मीर में आया और 6000 करोड़ का निवेश पाइपलाइन में है, जो इसका मतलब इरादा पत्रक उसके प्राप्त हो चुके हैं। मैं बात करूं 14-15 के जीएसडीपी की तो 1 लाख करोड़ था, आज 22-23 का जीएसडीपी जम्मू कश्मीर का 2,27,927 करोड़ रुपया हुआ है। इसका मतलब 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रोजगार में भी मैंने कहा ऐसे ढेर सारी नौकरियां बांटी गई। पहले जम्मू कश्मीर में 94 कॉलेज थे 19-20 के अंदर, आज 147 है। 19-20 में आईआईएम, आईआईटी और एम्स का अस्तित्व नहीं था, आज आईआईएम, आईआईटी और 2 एम्स बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज 4 थी, नई 7 मेडिकल कॉलेज बनाई गई है। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं थी, 15 नर्सिंग कॉलेज बनाई गई है। मेडिकल सीट 500 थी, अब 1300 हो चुकी है। पीजी सीट 367 थी, अब नई 300 जोड़ने का काम हुआ है। नर्सिंग सीट 2000 बढ़ाई गई है और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन में लगभग 173 कामों को समाप्त हो चुका कर दिया गया है और 19 के 24 के कम समय के अंदर 1,45,000 लोगों को घर देने का काम किया है, 13 लाख लोगों को घर में नल से पानी देने का काम किया है और इसके साथ साथ लगभग 82 लाख लोगों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार उठा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहले सिर्फ 60 ऑनलाइन सर्विसेज थी, अब 1102 सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार में बड़ी कटौती आई है। और खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 2 लाख से कम थी, अब 60 लाख युवाओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों में हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय है। मित्रों, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इसी गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। जम्मू कश्मीर के युवा आज पत्थर छोड़कर कंप्यूटर हाथ में लेकर देश के विकास के साथ, जम्मू कश्मीर के विकास के साथ जुड़े हैं। आज मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को,
कि आप वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करिए, जम्मू कश्मीर की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनिए और जम्मू कश्मीर को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आप काम करिए। मैं फिर से आज जिन सभी को नौकरी मिला है वो सभी अभ्यर्थी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।